गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, आज हम लोग इंग्लिश की कॉपी में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। हमने जेड तक लास्ट डे लिख लिया है, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड। तो आज हम लोग पूरा ए से लेकर जेड तक एक साथ लिखेंगे और पढ़ेंगे। कैपिटल लेटर्स मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है, यहाँ लिखा है राइट ए टू जेड। ये कौन सा ए है? कैपिटल ए। और ये कौन सा जेड है? कैपिटल जेड। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? कैपिटल लेटर्स। तो मैंने यहाँ लिख के रखा है, आप भी इसी तरह लिखेंगे, है ना। ए बी सी डी ई, ई लिखते समय ध्यान देंगे कि ऊपर और नीचे का ये फॉरवर्ड लाइन थोड़ा बड़ा होगा, बीच का छोटा। एफ पर भी ध्यान देंगे, ऊपर फॉरवर्ड लाइन बड़ा है, नीचे वाला छोटा। उसके बाद आप M पर ध्यान देंगे, M देखिए ये स्लैंटिंग डाउन लाइन कहाँ सटेगा? लाइन पर, है ना। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। Q लिखते समय ध्यान देंगे, Q आपको ऐसे लिखना है। W लिखते समय भी ध्यान देंगे कि हम लोग को W को ऐसे फैलाना नहीं है, है ना। अप टू डाउन स्ट्रेट लाइन बनाना है, देन स्लैंटिंग अप, स्लैंटिंग डाउन, देन अगेन अप। और कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? लाइन के ऊपर, है ना। सारे लेटर्स जो है वो लाइन के ऊपर होते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे स्मॉल लेटर्स पे। राइट ए टू जेड, ये कौन सा ए है? स्मॉल ए। और ये जेड कौन सा है? स्मॉल जेड। इट मींस हमें यहाँ पे क्या लिखना है? स्मॉल लेटर्स लिखना है। तो आज मिस आपको स्मॉल लेटर्स लिख के दिखा रही हैं। ध्यान देंगे कि कौन सा लेटर हमें किस तरह लिखना है, है ना। क्योंकि कुछ बच्चों ने और पेरेंट्स ने कहा था कि एक बार हमें फिर से स्मॉल लेटर्स बताएंगे, है ना। क्योंकि कुछ लोग बाद में हमसे जुड़े हैं, तो आज मैं आपको ए से लेके जेड तक लिख के दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि मिस का पेंसिल कैसे घूमता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए टू जेड स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर, स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। तो हम लोग इसको छोटा लिखेंगे, लाइन के थोड़ा ऊपर पेंसिल रखेंगे। और ए बनाते समय हम लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट की ओर घूमेंगे, है ना। मेक फुल सर्कल, देन गो अप, डाउन एंड लिटिल टर्न, ए बी, एंड बाय यूजिंग वन फिंगर डिस्टेंस, बी अप टू डाउन, लिटिल अप, हाफ सर्कल बी, हाफ सर्कल सी, फुल सर्कल अप टू डाउन डी, डंडा ऊपर जाएगा बी और डी का, लेकिन ऊपर टच नहीं करेंगे। ई लिखते समय फॉरवर्ड, देन हाफ सर्कल ई, एफ के लिए ऊपर से हाफ सर्कल, डाउन फॉरवर्ड एफ, फुल सर्कल अप टू डाउन टर्न जी, अप टू डाउन लिटिल अप टर्न डाउन एच, अप टू डाउन डॉट आई। अब जे के लिए पहले हमने जैसे आई बनाया, है ना, लाइन के ऊपर, और अब हमें नीचे चले जाना है। जे का डंडा कहाँ जाएगा? नीचे, देन टर्न डॉट जे। के के लिए, स्मॉल के लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना है, देन स्लैंटिंग अप एंड स्लैंटिंग डाउन, के एल एम। यहाँ देखिए मिस ने यहाँ ऐसे कर्व नहीं किया है, अप टू डाउन किया, अप टू डाउन, देन टर्न अप, देन टर्न डाउन एम, एन अप टू डाउन, अप टर्न डाउन ओ। हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग पहले सी बनाए थे, सी की तरह हाफ सर्कल बनाइए और यहाँ ले जाके इसको टच कर दीजिए अंडे की तरह। अब आएगा पी, पी का डंडा कहाँ जाएगा? लाइन के नीचे, पी। क्यू फुल सर्कल अप टू डाउन, इसका डंडा भी नीचे जाएगा, देन लिटिल स्लैंटिंग अप, थोड़ा सा स्लैंटिंग अप करेंगे। आर एस टी यू, ऊपर ले जाके फिर हमें वापस नीचे आना है। वी डब्ल्यू के लिए अप टू डाउन, है ना, देन स्लैंटिंग अप, इसके बराबर स्लैंटिंग डाउन, देन अप।
कैपिटल भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे, लेकिन ये बड़ा बनेगा, ये छोटा। एक्स वाई के लिए पहले हम लोग वी बनाएंगे, स्लैंटिंग डाउन स्लैंटिंग अप देन डाउन वाई, नाउ जेड एंड फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप बहुत ध्यान से कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। कौन से लेटर्स हमारे नीचे की ओर गए हैं? जे पी क्यू वाई। और डंडा देखिए सबका ऊपर गया है, आपको भी ऊपर ले जाना है, लेकिन ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करना है।